बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद नादरा की तरफ से तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी मुबारकबाद और अल्लाह ताला से रहमत और बरकत की खूब सारी दुआएं हैं। दुनिया के जिस कोने में, जिस खत्ते में मुसलमान आबाद हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत, ताकत, सेहत अता फ़रमाए और रोज़े रखने की और ख़ूब सारी इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे रिज़्क़ हलाल में खूब सारी बरकत अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे जाएंगे तो खूब सारी सहरी और अफ्तार भी की जाएगी और अफ्तार और सहरी के लिए खूब सारे लवाजमात भी तैयार किए जाएंगे। आज मैं आपके लिए अपनी फैमिली की एक फेवरेट डिश आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से बहुत ज़बरदस्त चिकन ब्रेड रोल। तो आइए मिलकर चिकन ब्रेड रोल तैयार करते हैं और अफ्तार में खाई जाने वाली इस रेसिपी को खूब इन्जॉय करते हैं। चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने 1 kg बोन वाला मैंने चिकन लिया है। बहुत अच्छा से इससे फ्लेवर आता है। इसको हम सबसे पहले बॉईल करने के लिए रख देते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है थोड़ा सा और मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से कलर चेंज होने तक मैं इसको पकाऊंगी। दो खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी साथ में और अच्छे से इसको भून लूंगी। चिकन लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भुन रही है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें पानी शामिल करूंगी ताकि चिकन खूब अच्छे से गल जाए और साथ में मैं थोड़ा सा आधा खाने का चम्मच नमक शामिल कर दूंगी। अच्छा सा फ्लेवरफुल हो जाएगा चिकन और 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर। एक बाउल में मैं जमा करती जाऊंगी, तमाम सब्जियों को कट करती जाऊंगी और इसी तरीके से जमा करती जाऊंगी। ग्रीन अनियन ले लिए। तमाम सब्जियों को मैंने अच्छे से वॉश करके पानी खुश करके रख लिया है। वो देखें कितनी ताज़ा ताज़ा सी फ्रेश सी हमारी अनियन है। इसका अपर पार्ट ये हम हटा देंगे, रूट्स वाला। के भी बारीक बारीक रिंग स्लाइसेस की तरह मैं कट कर लूंगी। इतने ज़बरदस्त से ब्रेड रोल तैयार होते हैं, अक्सर लोग मुझसे फरमाइश करके ये ब्रेड रोल बनवाते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल कुकिंग विद नादरा को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे और आप भी इतनी चटकारेदार रमज़ान स्पेशल रेसिपीज से फ़ायदा। से कट करके हम इसका वाइट पार्ट हटा देंगे, इससे हमारे टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये देखें इस तरीके से इसको निकाल देंगे। इसको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी ताकि बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए।
तमाम सब्जियों को एक ही बाउल में मैं जमा करती जा रही हूँ। हरी मिर्चें ले ली हैं 8 से 10 अदद मैंने, इसको भी स्लाइसर की मदद से कट कर रहे हैं। ये देखें अच्छे से फाइन चॉप मैंने हरा धनिया को भी कर लिया है। तमाम सब्जियां अच्छे से कट हो गई हैं, तो चलिए अब हम अपनी चिकन चेक कर लेते हैं। ये देखें 15 मिनट में चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। थोड़ा सा इसमें भी पानी शामिल है, लेकिन मैं इसको इसी पॉइंट पे श्रेड करना शुरू कर दूंगी ताकि जो मसाले मैं इसमें शामिल करूंगी वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। चिकन हमारी खूब अच्छे से गल गई है। अब इस पॉइंट पे मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और मैं बोन्स अलग कर लूंगी। तो चलिए मैं बोन्स अलग करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन में से मैंने बोन्स को अलग कर लिया है और ये खूब जूसी सी चिकन हमारी श्रेड हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं 2 खाने के चम्मच भर के वाइट विनेगर शामिल करूंगी। दो खाने के चम्मच भर के हम सोया सॉस शामिल करेंगे। एक खाने का चम्मच भर के मैंने नमक लिया है। 1.5 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। सौंफ ले लेते हैं, 1/2 खाने का चम्मच सौंफ का दरदरा सा पाउडर बना के। और ये 2 खाने के चम्मच भर के मैंने साबुत धनिया लिया हुआ है, कूट लिया था मैंने इसको अच्छे से। सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच भर के ये भी शामिल कर दिया। तमाम मसालों के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिकन में जो लास्ट में मैंने थोड़ा सा पानी छोड़ा था वो इसीलिए ताकि ये जो मसाले हैं ये तमाम मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें अमचूर पाउडर शामिल कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है इससे। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। ये मसालों की जान है काली मिर्च का पाउडर, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और तमाम चिकन को हम अच्छे से खूब चलाकर मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने चिकन को रखा हुआ है। अब इस पॉइंट पे मैं सब्जियां शामिल कर रही हूँ और फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ। फ्लेम ऑफ करके हम सब्जियां शामिल करेंगे, हमें सब्जियों को बिल्कुल भी पकाना नहीं है, बस गरम चिकन में जो है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अगर हम चूल्हा खोलेंगे गैस खोलेंगे तो ये हमारी सब्जियां सारी सॉफ्ट हो जाएंगी और इसमें से पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। चिकन के साथ सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके ये हरा धनिया शामिल कर दिया और अब इस पॉइंट पे मैं इसको 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे आने के लिए रखूंगी। उसके बाद हम अगला स्टेप शुरू करेंगे।
चिकन अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब ये मैंने ब्रेड ले लिए, ब्रेड के स्लाइसेस के मैं एजेस काट रही हूँ, इन एजेस को अलग कर देंगे लेकिन हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हमें अभी यूज़ में लेना है। मैं आपको बताऊँगी हम इसका क्या काम करेंगे। तमाम ब्रेड के स्लाइसेस के एजेस निकाल लेते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हम कट, इसके एजेस कट कर लिए हैं। ये देखें इस तरीके से एक जगह जमा कर लिया। अब हम इसको ग्राइंडर करके इसके ब्रेड क्रम बनाएंगे जो अभी हमें यूज़ करने होंगे। कवर करके हम रखेंगे ब्रेड को ताकि हवा ना लगे। वन बाय वन एक एक स्लाइस लेते जाएंगे और रोलिंग पिन से हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करके बेलेंगे ताकि अच्छे तरीके से ब्रेड जो है ये बेल जाए। चारों तरफ से अच्छे से हमें प्रेस करनी है। ये देखें कितनी अच्छी सी ब्रेड जो है वो बेल के तैयार हो गई। बस इसी तरीके से तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को मैं बेल लेती हूँ। तमाम ब्रेड के स्लाइसेस मैंने बेल के रेडी कर लिए हैं। मैंने 2 खाने के चम्मच मैदे को पानी में घोल के अच्छा सा मैंने एक लिक्विड बना लिया। अब ये तमाम किनारों पे, ब्रेड के किनारों पे मैं ये लगाती जाऊंगी क्योंकि हमें इसकी बाइंडिंग करनी है, तो ये एक ज़रूरी स्टेप है। अब हम चिकन की स्टफिंग रखते जाएंगे। और बहुत एहतियात से हमें इसको फोल्ड करना है। बहुत इजी स्टेप्स हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इजीली आप इसको आराम से बना सकते हैं। ये देखें इतना इजीली आप इसको फोल्ड करते जाइए और 1 सेकंड के लिए आप इसको प्रेस करके हाथों पे रखिए। अब ये बोथ साइड से हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से बंद हो जाए। ये देखें कितने अच्छे से ये ब्रेड रोल तैयार हो रहे हैं। अब इसका अगला स्टेप भी हम करेंगे। पहले 1 बाय 1 तमाम हम इस तरीके से कंप्लीट बना लें। 1 बाय 1 मैं ब्रेड के स्लाइसेस लेती जाऊंगी और इसी स्टेप को तमाम ब्रेड स्लाइसेस पे अप्लाई करूंगी। बड़े ज़बरदस्त से बहुत मज़ेदार से ये ब्रेड रोल हैं। जब भी आप बनाएंगे फैमिली में आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। ज़रूर बनाइएगा, ज़बरदस्त सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये 2 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं और अच्छे से इनको मैं बीट कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें हम नमक शामिल करेंगे ताकि इसका अपर पार्ट भी जो है वो हमें बिल्कुल फीका सा ना लगे। थोड़ा सा हमने नमक शामिल किया और ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा। खूब अच्छे से इसको बीट कर लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसमें मैं अब ये 1 प्याली मिल्क शामिल कर रही हूँ और अच्छे से अंडों को हम एक मरतबा फिर बीट कर लेंगे। वन बाय वन हम एक एक ब्रेड रोल लेते जाएंगे, अंडे और मिल्क में डिप करेंगे और ये जो हमने अभी ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं इसमें हम रखते जाएंगे। ये देखिए हम ब्रेड क्रम को अच्छे से कोट कर देंगे। दोनों हाथों की मदद से अच्छे से कोट करते जाइए।
ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ब्रेड रोल हमारे मज़ेदार ज़बरदस्त से चटकारेदार ब्रेड रोल तैयार हो रहे हैं। रमज़ान में आप खाएंगे तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। हमने ये तमाम ब्रेड रोल तैयार कर लिए हैं, इसको मैं पैक करके रखूंगी और मैं मज़ीद ब्रेड रोल तैयार करूंगी और उनको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो चलिए कुछ ब्रेड रोल फ्राई कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करके रखा है। वन बाय वन हम ब्रेड रोल इसमें डालते जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, दो दो तीन तीन करके। बहुत सारे ब्रेड रोल हम बना के तैयार कर सकते हैं और दस्तरखान की शान बढ़ा सकते हैं। अफ्तार के लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें खूब अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है, ब्रेड रोल मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। मैं प्लेटर में निकालती हूँ, फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से स्पाइसी से ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी हमारे चिकन ब्रेड रोल तैयार हैं। मेरे दस्तरखान की शान बड़े मज़ेदार से ब्रेड रोल अफ्तार के लिए मैंने तैयार कर लिए हैं। आप क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं रमज़ान में मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ऐसी रेसिपीज़ फिर लेके आऊँगी। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।